फूलपुर सीट भाजपा से लोकसभा सीट का टिकट मिलने के बाद बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल ने कहा, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने मेरे ऊपर अपना भरोसा दिखाया है, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि फूलपुर लोकसभा का अपना एक महत्व रहा है, मैं आगे उस महत्व को और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी भारत की तस्वीर बदलने में लगे हैं, हम लोग भी अपना योगदान इसमें देंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, निश्चित तौर पर हम रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। अपने संसदीय फूलपुर क्षेत्र से मुझ पर विश्वास जताने विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का मेरे लोकसभा से प्रत्याशी बनाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट जिताकर कर 400 पार के संकल्प में सबका योगदान सुनिश्चित करेंगे। जनता के बीच में जाकर माननीय मोदी जी की जो योजना है, जो विकसित भारत बनाने की एक उनकी सोच है, उस सोच को साकार करने के लिए यहाँ पर जो भी हर संभव प्रयास होगा उसको हम लोग करने का काम करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? देखिए, जनता के विश्वास पर खरा उतरना एक चुनौती होती है, लेकिन हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, जनता के बीच में हमेशा रहेंगे। और जनता के बीच में जब आप रहिए तो निश्चित रूप से उनका जो लाड़ प्यार मिलता है, छोटी छोटी जो समस्याएं होती है उसका समाधान होता है, जो बड़ी चीजें हैं उसके बारे में भी हम लोग मिलजुल कर कोई योजना बनाने का काम करते हैं। जब जनता की सोच के अनुरूप योजनाएं बनती हैं, उस पर विकास होता है, तो जनता को खुशी भी होती है। तो निश्चित रूप से हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जनता से मिलकर उनकी सोच के अनुसार यहाँ का विकास हो और फूलपुर का विकास, यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है वह निश्चित रूप से विश्व स्तर का हो, जैसा माननीय मोदी जी चाहते हैं। और आप जानते हैं यह कुंभ का क्षेत्र है, कुंभ के क्षेत्र की वजह से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फंड ला सकते हैं और निश्चित रूप से फूलपुर के विकास में हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। पार्टी ने आपको भरोसा जताया है, देखिए पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, इसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय श्री सुनील बंसल जी का, माननीय संगठन महामंत्री जी का और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय श्री धर्मपाल जी प्रदेश संगठन महामंत्री जी का, पूरे प्रदेश नेतृत्व के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा और खरा उतर कर इस फूलपुर लोकसभा को एक बड़ी जीत देकर हम लोग यहाँ फूलपुर के विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, यही हमारा। विपक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे, उनकी नीतियों को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, विपक्ष जनता से कट गया है, जनता के से न जुड़ने के कारण विपक्ष के पास कोई योजना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। और निश्चित रूप से आज कहीं पर आप गांव में भी जाइए, कहीं पर विपक्ष आपको दिखाई नहीं पड़ता, किसी सार्थक मुद्दे को लेकर भी नहीं दिखाई पड़ता। जनता से अपील क्या करेंगे? भाई, जनता से मेरी अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है इस देश को विकसित भारत बनाना और हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे सके, यही हम लोग का प्रयास है। बता दें कि लोकसभा फूलपुर क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए प्रवीण सिंह पटेल फूलपुर विधानसभा से तीसरी बार विधायक बने हैं। प्रवीण पटेल के पिता महेंद्र प्रताप सिंह भी विधायक रह चुके हैं।